आज का वीडियो है फ्रेंड्स स्किन वाइटनिंग एंड स्किन लाइटनिंग वीडियो है ये। तो ये दाग धब्बे दूर करने के लिए 100% नेचुरल रेमेडीज़ हैं। ये पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, जो एक्ने के हमारे स्पॉट्स होते हैं फेस पे उसको भी दूर करेगा। और जिन लोगों को जैसे हमारी डबल स्किन, जैसे टू टोन स्किन हो जाती है, जैसे हमारे चिन पे कुछ और कलर आ जाता है और चिक्स पे और आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। टू टोन स्किन जो होती है और जो फोरहेड की डार्क स्किन होती है उसको भी ये रेमेडीज रिमूव करेंगी। आपकी स्किन बहुत ही क्लियर हो जाएगी। समर की जो टैनिंग होती है उसको भी ये रिमूव करेगा। किसी की जैसे एज बढ़ रही है, एज के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं फेस पे, एजिंग इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी ये दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपने नंबर वन पे जो आपको चाहिए वो है ग्रीन टी। तो इसके लिए आपने ग्रीन टी का पाउडर लेना है, वो घर में आपके अवेलेबल होगा। तो आपको पता है ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये स्किन को प्यूरीफाई करते हैं और जो हमारे स्किन में जो सीबम की प्रोडक्शन होती है उसको भी ये कंट्रोल करती है ग्रीन टी, और जो हमारी स्किन पे डार्क पैचेस से बन जाते हैं उसको भी ये रिमूव करती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी लेनी है, हमारे घर में अवेलेबल होती है। और फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ फुल वॉच किया करें, ऐसे आपको ये रेमेडीज़ बनानी नहीं आएंगी, नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको नंबर एक पे ग्रीन टी बताई है, आपने ग्रीन टी लेनी है। तो ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो कोरियन लोग हैं वो भी ऐसे ही रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए उनकी जो स्किन होती है वो ग्लोइंग रहती है और उन पे जो एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ही कम आते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला है ग्रीन टी। सेकेंड नंबर पे आपने क्या लेना है, सेकेंड नंबर पे आपने चावल लेने हैं, चावल का पाउडर लेना है। आप घर में उसे ब्रीक पीस सकते हो, ब्रीक पीसने के बाद चावल को उसको छन्नी से छान सकते हो कॉटन के कपड़े से। अगर नहीं है, घर में नहीं बना रहे हो, तो आप मार्केट से भी चावल राइस पाउडर ले सकते हो। चावल में फ्रेंड विटामिन बी होता है, ये हमारी स्किन की ऑयल को हटाता है, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है, हमारी फाइन लाइन रिंकल्स को भी रिमूव करता है और हमारी स्किन को जो है चावल वो टाइट करते हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैं चावल का यूज़, चावल के आटे का यूज़ मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। नंबर एक पे मैंने ग्रीन टी बताई है फ्रेंड्स, नंबर दो पे मैंने चावल का आटा राइस पाउडर आपको बताया है। नंबर तीन पे फ्रेंड्स आपने क्या लेना है, नंबर तीन पे आपने कॉर्न स्टार्च लेना है, ठीक है। ये आपके जो स्किन के दाग धब्बे हैं उसे दूर करता है, स्किन को ये गोरा बनाता है। मार्केट से भी ले सकते हो आप, घर में भी बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड, ये तीन चीज़ें हमने लेनी है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों को, ठीक है। इनका पाउडर जो है तीनों का वो हमने मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपने थोड़ा दूध लेना है, उसको गैस पे अपने गरम कर लेना है दूध को, और इसको दूध को पकाते रहना है। उसमें हमने ये तीन जो पाउडर मिक्स किए हैं उनको ऐसे हिलाते रहना है और ध्यान रखना है कि लंग्स ना पड़े, हिलाते रहना है। और कुछ देर के बाद जब ये आपको पैक बन जाए हमारा, तो आपने गैस को बंद करके उसको ठंडा कर लेना है, ओके। ये पैक फ्रेंड्स आप स्टोर करके भी रख सकते हो, आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें प्लीज़। देन फ्रेंड्स, आपने आखिरी जो है हमारा स्टेप, उसमें आपने क्या करना है, इस पैक में आपने थोड़ा सा हनी ऐड कर लेना है। हनी जो है स्किन को क्लीन करता है, एक्ने और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रोकता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो पैक है, हमारा रेडी हो गया है। इसको आपने फेस पे लगाना है, डेली लगाना है। इसके पहले यूज़ से ही आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर 1 मंथ तक आप इसको यूज़ करोगे, आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन हो जाएगी, कलर में काफ़ी चेंजेस आएंगी आपके, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर किया कीजिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो अभी मेरे पास रिक्वेस्ट वीडियोस की आ रही हैं, अभी गर्मी है तो पसीने की स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसी की वीडियोस की मेरे पास रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं आम फिट के लिए आ रही हैं, बॉडी में जो हमारे प्रॉब्लम्स पसीने की आती है उसकी आ रही हैं, और एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है बैड ब्रीथ की, तो जिनकी सांस में स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आती है, तो ये मैं वीडियोस आपके लिए डालने वाली हूँ नेक्स्ट। तो पसीने वाली, जिनको पसीने की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए, और जिनकी बैड ब्रीथ है, मुंह से स्मेल आती है, उनके लिए मैं वीडियो डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आती हैं तो इतनी वीडियोस मैं एक साथ नहीं बना सकती हूँ, तो मैं सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी, थोड़ा वेट कीजिए। और हर एक की जो भी रिक्वेस्ट करते हैं मैं वीडियो साथ साथ डाल देती हूँ, तो डेली मैं एक वीडियो डालती हूँ आप सबके लिए, तो हर एक की जो टर्न है कि वो ज़रूर आएगी वीडियो में, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को यहीं क्लोज़ करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का